हेलो स्टूडेंट्स, यह आपव्यू पर 12वां लेक्चर है और इसमें हम लोग विविध प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर एक में कहा जा रहा है कि मान लीजिए a बराबर 0100, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल n। कहने का मतलब जो ये यन है कैपिटल यन से संबंध रखता है, मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है ना। यहाँ जो यन है किससे संबंधित रखता है? प्राकृतिक संख्या से। के लिए ए आई प्लस बी ए का होल पावर यन इक्वल टू ए टू दी पावर एन इंटू आई प्लस एन ए टू दी पावर एन माइनस वन इंटू बी ए, जहां आई कोटि दो का तत्समक आव्यूह है। तो कहने का मतलब ए बराबर इतना दिया गया है और इतना आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। सबसे पहले यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ए आई प्लस बी ए। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ए ऐसे ही रहने दो। ए का मान देखिए है 1001 प्लस बी ए, बी और ए का मान दिया गया है 0100। अब जब इसमें आप इसमें ए का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 0000A प्लस, इसमें जब आप बी का गुणा करोगे तो ये 0B00। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ बन जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। पर आपको बस इतना तो निकालना नहीं है, आपको इतने की पावर यन भी ज्ञात करना है, जहां यन क्या है? कोई प्राकृतिक संख्या, मतलब 1, 2, 3 या कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो हम लोग इसकी पावर केवल और केवल 1 निकाले हैं, अब चलिए इसकी पावर 2 निकालते हैं। मतलब ए आई प्लस बी ए टू द पावर 2, यानी इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो आप इसी का 2 बार गुणा कर दीजिए। जब 2 बार गुणा करोगे तो ये है ए बी 0A का गुणा करना है इसी में, यानी ए बी 0A में। तो जब इन दोनों का गुणा करोगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए तो ए का गुणा ए में करोगे ए स्क्वायर प्लस बी का गुणा 0 में करोगे तो 0। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए तो ए गुणे बी हो जाएगा ए बी प्लस बी का गुणा ए में करोगे तो ये हो जाएगा बी ए। अब तीसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए तो 0 गुणे ए 0 हो गया, ए गुणे 0 0 हो गया यहाँ पर। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए तो 0 गुणे बी 0 हो गया, ए गुणे ए ए स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, इसको पूरे को सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, मिलके हो गया 2AB, यहाँ पर 0 और यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्या मिला? इसका स्क्वायर मिला। अब अगर आप इसका क्यूब निकालते हो ए आई प्लस बी ए का क्यूब, क्यूब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर में गुणा कर दीजिए, ये स्क्वायर निकला है और ये केवल सिंगल पावर निकली है तो दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी ए स्क्वायर 2AB 0 ए स्क्वायर में गुणा करना है ए बी 0 ए का। तो जब इन दोनों का गुणा करोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए तो ए स्क्वायर गुणे ए हो गया ए क्यूब प्लस 2AB गुणे 0 हो जाएगा 0।
अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए तो ए स्क्वायर का गुणा बी में करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी का गुणा ए में करेंगे तो टू ए स्क्वायर बी। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए तो जब जीरो का गुणा ए में करोगे तो जीरो, ए स्क्वायर का गुणा जीरो में करोगे तो जीरो। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए, जीरो गुणे बी करोगे जीरो बन जाएगा, ए स्क्वायर गुणे ए करोगे ए क्यूब मिल जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ए क्यूब, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे थ्री ए स्क्वायर बी, यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, तो अब जरा आप तुलना कर लीजिए। ठीक है, इसका ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है और ये समीकरण तीन है, इन दोनों की तुलना करोगे तो आप लिखोगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। इनसे तुलना करिए, देखिए क्या हो रहा है। जब आप पावर एक निकाले तो ए की पावर एक, बी के साथ केवल एक का गुणा है, यहाँ पे ए की पावर एक, यहाँ पर जीरो। जब इसकी पावर आप टू निकाल रहे हो तो ए स्क्वायर बन गया, यहाँ ए स्क्वायर बन गया, इस जगह बन गया टू ए बी। जब पावर थ्री निकाल रहे हो तो यहाँ बन गया ए क्यूब, यहाँ बन गया थ्री ए स्क्वायर बी। तो आप लिखोगे इसी प्रकार ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन। तो जब एन निकालोगे तो देखो यहाँ क्या मिल जाएगा, ए टू द पावर एन, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी। ठीक है, देखो जब क्यूब निकाले थे तो घात ए की घात दो था, जब ए की घात एक निकाल रहे थे तो यहाँ ए की घात जीरो था, मतलब जितनी घात निकाल लो उससे एक कम, यहाँ एक था तो ए की घात जीरो, स्क्वायर निकाले तो ए की घात एक, क्यूब निकाले तो ए का स्क्वायर, तो पावर एन निकालोगे तो ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये ए की घात एन हो जाएगा। और इसे आप समीकरण चार मान लीजिए और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लोग ये राइट हैंड साइड पर बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड देखिए क्या लिखा है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ये है ए टू द पावर एन इंटू आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी ए। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ए टू द पावर एन को रहने दो, आई का मान रख लीजिए एक जीरो जीरो एक प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी और ए का मान रख दीजिए। अब इन दोनों का गुणा करिए, जब ए का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा ए टू द पावर एन जीरो जीरो ए टू द पावर एन प्लस, जब इसका गुणा करोगे इसके अंदर तो जीरो एन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी जीरो जीरो। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़िए तो जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा ए टू द पावर एन एन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी जीरो ए टू द पावर एन। इसे आप समीकरण पांच मान लीजिए। अब समीकरण चार और पांच की तुलना करिए तो आप लिखोगे समीकरण चार व पांच से, चार व पांच से दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप लिखोगे ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी ए, और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर इतनी बात? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर दो में देखिए कहा जा रहा कि यदि ए बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन बराबर इतना, जहां एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, कहने का मतलब ये स्मॉल एन कोई प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, एक दो तीन चार डॉट 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 अनंत तक,
यही सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यहाँ ए की घात कैसा है, कोई प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की दो विधियां हैं। पहली विधि हम लोग यूज करते हैं गणितीय आगमन विधि। गणितीय आगमन विधि। और दूसरी विधि हम लोग यूज करते हैं तुलना द्वारा। दूसरा क्या यूज करते हैं, तुलना द्वारा। तो हम यहाँ दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखो ए की घात ए बराबर इतना दिया गया है और ए की घात यन निकालना है, जहाँ यन का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए की घात 2 निकालते हैं। ए की घात 2 का मतलब हुआ ए गुणे ए। तो जब आप ए गुणे ए सॉल्व करोगे तो देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, 1, 1, 1 दिया गया है। इंटू ए करोगे तो ए का मान भी कितना हो जाएगा, 1, 1, 1। अब जब इन दोनों को गुणा करोगे तो देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करोगे तो 1 गुणे 1, 1 हो गया प्लस 1 गुणे 1, 1 हो गया प्लस 1 गुणे 1, 1 हो गया, यानी इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, 3। उसी तरीके से यहाँ वाला अवयव भी 3, यानी कि प्रत्येक अवयव 3, 3, 3 हो जाएगा। अब इस 3, 3 को आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि 3 की घात 2 - 1। तो इस तरह से प्रत्येक अवयव बन जाएगा 3 की घात 2 - 1। और इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसी तरीके से आप ए क्यूब निकालिए, क्या निकालिए, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर गुणे ए। ए स्क्वायर गुणे ए करोगे तो ए स्क्वायर का मान ये इतना दिया गया है, ये इतना दिया गया है 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ऐसे ही दिया गया ये। अब इसमें जब आप 1 का गुणा करोगे 1, 1, 1 तो कर लीजिए, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करोगे 3, 1, 3 प्लस 3, 1, 3 प्लस 3, 1, 3 तो ये 3 + 3 + 3 9 हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक अवयव 9 हो जाएगा। अब जब प्रत्येक अवयव 9 हो जाएगा तो इसे आप लिख सकते हो 3 की घात 3 - 1। 3 - 1 करोगे 2 आएगा और 3 की घात 2 मतलब 9 हो जाएगा। यहां से हम लोग प्रत्येक अवयव लिख सकते हैं 3 की घात 3 - 1। अब इसी तरीके से इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब ऐसे ही जब आप 1 की घात 4 निकालोगे तो 1 की घात 4 का मतलब हो जाएगा ए क्यूब इंटू ए। ए क्यूब का मान है 9, 9, 9, यानी प्रत्येक अवयव कितना है, 9। गुणे ए करोगे, ए का मान कितना है, 1, 1, 1, प्रत्येक अवयव 1 है। जब इन दोनों का गुणा करोगे तो 9 गुणे 1, 9, 9 गुणे 1, 9, 9 गुणे 1, 9, तो 9 * 3 = 27 हो जाएगा, यानी प्रत्येक अवयव बन जाएगा 27, 27, 27, ठीक है ना। अब इस 27 को आप चाहो तो लिख सकते हो 3 की घात 4 - 1, क्योंकि 4 - 1 करोगे 3 आएगा और 3 का जब आप इस क्यूब करोगे तो 27 बन जाएगा। तो इसे भी हम लोग 3 की घात 4 - 1, 3 की घात 4 - 1, प्रत्येक अवयव को 3 की घात 4 - 1 लिख दीजिए। अब इसे आप समीकरण 3 मान लीजिए। इसी तरीके से जब आप आगे निकालोगे तो आप आगे मत निकालिए, लिखिए इसी प्रकार। इसी प्रकार भाई जब 4 निकाल रहे हो तो 3 की घात 4 - 1, 4 - 1, 4 - 1 निकल रहा है,
जब ए की घात तीन निकाल ले तो तीन की घात तीन माइनस एक, तीन माइनस तीन एक, तीन माइनस एक निकल रहा है। इसी तरीके जब आप ए की पावर एन निकालोगे तो आपके पास मिल जाएगा थ्री टू दी पावर एन माइनस वन, थ्री टू दी पावर एन माइनस वन, थ्री टू दी पावर एन माइनस वन, यानी प्रत्येक अवयव थ्री टू दी पावर एन माइनस वन बन जाएगा। सही है ना, यही आपको प्रूव करना था कि थ्री ए टू दी पावर एन इक्वल टू थ्री टू दी पावर एन माइनस वन, और ये हो गया आपका हैंस प्रूव। क्लियर इतनी बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए थर्ड में कहा जा रहा है कि यदि a बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए a की पावर n बराबर इतना, जहां n एक धन पूर्णांक है। फिर उसी तरीके से ऐसे प्रश्न को पहला चाहो तो आप गणितीय आगमन विधि से सॉल्व कर लो, और दूसरा चाहो तो आप तुलना करके सॉल्व कर लो। तो हम लोग तुलना करके सॉल्व करेंगे। a की घात n आपको निकालना है तो पहले हम निकालते हैं a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब यहाँ n का मान कितना है, दो है। n स्क्वायर का मतलब, a स्क्वायर का मतलब n का मान दो है। तो a स्क्वायर आप a गुणे a लिख दोगे। a का मान रखिए तीन माइनस चार एक माइनस एक गुणे फिर वही वैल्यू तीन माइनस चार एक माइनस एक। अब इन दोनों का आप गुणा करिए तो तीन का तीन में गुणा करोगे नौ, माइनस चार का एक में गुणा करोगे तो माइनस चार हो गया। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए तो ये हो जाएगा माइनस बारह, और माइनस चार माइनस एक मिलके हो जाएगा प्लस चार। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए तो ये हो जाएगा तीन माइनस एक, दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए तो ये हो जाएगा माइनस चार प्लस एक। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखिए आपको ये मिल जाएगा पाँच, ये मिल जाएगा माइनस आठ, यहाँ पर मिल जाएगा दो, और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस तीन। इसे आप चाहो अगर इस रूप में लिखना तो ये पाँच लिखा ना। देखो आप ए स्क्वायर निकाल रहे हो, ए स्क्वायर इसका मतलब इस बार अभी यन का मान कितना है, दो है। तो इसे आप चाहो तो लिख सकते हो एक प्लस दो गुणे दो, है ना, एक प्लस दो यन लिखना था, यहाँ ये यन का मान है। अब इस माइनस आठ को लिख सकते हो माइनस चार गुणे दो, यहाँ यन का मान कितना, ये दो है। इस दो को ऐसे ही रहने दो, ये खुद यन का मान प्रदर्शित कर रहा है। यहां पर आया है माइनस तीन, इसे आप लिख सकते हो एक माइनस दो गुणे दो, यहाँ यन का मान ये दो प्रदर्शित कर रहा है। तो इसे आप समीकरण एक मान लीजिए। इसी तरीके से अब आप ए क्यूब निकालिए, क्या निकालिए, ए क्यूब। तो ए क्यूब निकालोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर का मान लिख लीजिए, ए स्क्वायर का मान आया है पाँच माइनस आठ दो माइनस तीन, इंटू ए करना है, इंटू ए की वैल्यू है थ्री माइनस फोर वन माइनस वन। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा पाँच तिहाई पंद्रह माइनस आठ। अब पहली पंक्ति का दूसरे पंक्ति में गुणा करोगे दूसरे स्तंभ में, ये हो जाएगा माइनस पाँच चौक बीस प्लस आठ। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करोगे तो तीन दुनी छः माइनस तीन, इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस आठ प्लस तीन। अब इनको सॉल्व करो तो ये आपको कितना मिल जाएगा, पंद्रह माइनस आठ ये बन जाएगा सात, माइनस बीस प्लस आठ बन जाएगा माइनस बारह, ये बन जाएगा छः माइनस तीन हो जाएगा तीन, और यहाँ बच जाएगा माइनस पाँच। अब जरा इस बार देखो यन का मान कितना है, तीन है। यन का मान इस बार कितना है, तीन है। तो इसे आप चाहो तो लिख सकते हो वन प्लस टू इंटू थ्री, थ्री टू जा सिक्स प्लस वन से बना जाएगा। यहाँ यन को कौन प्रदर्शित कर रहा, तीन। इस माइनस बारह को लिखना चाहो तो लिख सकते हो माइनस चार गुणे तीन, यहाँ यन का मान कौन प्रदर्शित कर रहा, तीन।
ऐसे ये तीन को तीन रहने दो, ये n का मान है। माइनस पांच को लिख सकते हो आप एक माइनस दो गुणे तीन, दो तिहाई छः। अब माइनस छः प्लस एक करोगे तो माइनस पांच आ जाएगा। यहाँ n का मान कौन प्रदर्शित कर रहा है? तीन। तो इसे आप समीकरण दो मान लीजिए। इसी तरह से जब आप a टू द पावर फोर निकालोगे, a टू द पावर फोर का मतलब हो जाएगा a क्यूब इंटू a, a क्यूब इंटू a निकालोगे तो देखो a क्यूब का मान है सेवन माइनस ट्वेल्व थ्री माइनस फाइव, इंटू a की वैल्यू है थ्री माइनस फोर वन माइनस वन। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा सात त्रिक इक्कीस माइनस बारह, इसका करोगे तो माइनस अट्ठाईस प्लस बारह। अब इसका करोगे तो तीन त्रिक का नौ माइनस पांच, यहां करोगे तो माइनस बारह प्लस पांच। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, इक्कीस माइनस बारह आप करोगे तो मिल जाएगा नौ, यहाँ पर 28 माइनस 12 करोगे तो हो गया माइनस 16, 9 माइनस 5 करोगे तो मिल गया 4, ये मिल जाएगा माइनस 7। इसे आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। जरा देखो a टू दी पावर 4 निकाल रहे हो, इस बार n का मान कितना है 4, तो इसे आप लिख लो 1 प्लस 2 गुणे 4, जहाँ n को कौन प्रदर्शित कर रहा है 4। इस 16 को लिख लो माइनस 4 गुणे 4, यन का मान कितना है 4। इस 4 को ऐसे ही रहने दो, ये खुद यन का मान प्रदर्शित कर रहा है। माइनस 7 को लिख लो 1 माइनस 2 गुणे 4, यहाँ यन का मान कितना है 4। इसे आप समीकरण 3 मान लीजिए। ऐसे जब आप करते जाओगे तो ऐसे मिलता जाएगा, तो आप कहो इसी प्रकार तुलना करके, इसी प्रकार जब आप a टू द पावर n निकालोगे तो ये बन जाएगा कितना 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 इंटू n, ये बन जाएगा माइनस 4n, यहाँ बन जाएगा n और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 2n, और यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा जा रहा है यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। देखिए क्या दिया है आपको, दिया क्या है, दिया है कि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं। इसका मतलब हुआ कि ए डैश बराबर ए तथा बी डैश बराबर बी। सममित तो यही होता है कि जब a डैश बराबर a हो, b डैश बराबर b हो। तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित होगा। कोई आव्यूह विषम सममित तब होता है जब उसका डैश उसके माइनस के बराबर हो, यानी यदि a डैश बराबर माइनस a हो तो इसे आप कहोगे कि आव्यूह a विषम सममित है। तो आपको प्रूव करना है कि ये इतना ए बी माइनस बी ए विषम सममित है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डैश निकालेंगे, ए बी माइनस बी ए करेंगे। ए बी माइनस बी ए का जब आप डैश निकालोगे तो ये बन जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। माइनस में दोनों का ऐसे ही सीधा सीधा अलग हो जाता है। अब ये ए बी का गुणा है, जब इसका आप परिवर्त लोगे तो ये क्रम बदल जाता है, ये बन जाएगा b डैश a डैश माइनस a डैश b डैश। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि a डैश बराबर a और b डैश बराबर b, तो इसलिए हम b डैश की जगह b लिख सकते हैं और a डैश की जगह a लिख सकते हैं, माइनस a डैश की जगह a और b डैश की जगह b लिख सकते हैं। जरा आप इनसे एक माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो यह वाला ए बी बन जाएगा प्लस में, तो ए बी माइनस ये बी ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है,
ए बी माइनस बी ए का डैश, ए बी माइनस बी ए डैश बराबर हुआ माइनस ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब कि उसका डैश उसके माइनस के बराबर है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममितावयव है, एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, और यही आपको सिद्ध भी करना था। क्लियर इतनी बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। इस क्वेश्चन को पहले समझ लिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि इसमें आप सिद्ध कीजिए बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है। कैसा है? सममित है यदि ए सममित है। यदि ए कैसा है? सममित है। और कह रहे हैं कि आप सिद्ध कीजिए बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। कैसा है? विषम सममित। यदि ए विषम सममित हो, यदि ए विषम सममित हो, मतलब यहां आपको सिद्ध करना कि यदि ए सममित है तो बी डैश ए बी भी सममित होगा, और यदि ए विषम सममित है तो बी डैश ए बी भी विषम सममित होगा। तो हम लोग एक एक कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन पर बात करते हैं। मान लेते हैं, माना ए एक सममित आव्यूह है, माना ए एक सममित आव्यूह है, माना ए एक सममित आव्यूह है। तो अगर ए एक सममित आव्यूह है तो यहां से आप लिखोगे ए डैश बराबर ए, ठीक है। अब हमें इसके बारे में देखना है, किसके बारे में? बी डैश ए बी के बारे में देखना है कि यह सममित है कि विषम सममित। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का डैश निकालेंगे। तो आप लिखोगे बी डैश ए बी का होल डैश। तो जब ये निकालोगे तो आप इसे लिखोगे, देखो आप इस बी को एक समझ लीजिए, बी डैश को, और ए बी को एक साथ समझ लीजिए, ए बी को एक साथ समझ लीजिए। तो आप परिवर्त की प्रॉपर्टी में पढ़े हो कि ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश। तो यही प्रॉपर्टी यहां लग जाएगी। तो ये जो ए बी को एक साथ समझे हो ये बन जाएगा ए बी का डैश इंटू बी डैश का डैश, ठीक है। अब फिर से जो ये ए बी का डैश है ये फिर से बन जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, और जो ये बी डबल डैश है ये केवल बी बन जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि हम ए डैश बराबर ए लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग लिख देंगे बी डैश, और ए डैश की जगह कितना लिख देंगे, ए इंटू बी। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है बी डैश ए बी का होल डैश, ये खुद उसी के बराबर आ गया बी डैश ए बी के। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अतः बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, आव्यूह है, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन हम लोग मान के चलते हैं। दूसरी कंडीशन, दूसरे में मान लेते हैं कि माना ए एक विषम सममित आव्यूह है, ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो यदि एक विषम सममित आव्यूह है यहां से आप लिख सकते हो ए डैश बराबर माइनस ए, ए डैश बराबर माइनस ए। अब फिर से आप इसका डैश निकालो तो यहां से मिलेगा बी डैश ए बी का होल डैश,
यहाँ पर आप ए बी को एक साथ समझिए और इसको एक समझिए, तो ये बन जाएगा आपका ए बी का डैश इंटू बी डैश का डैश। अब ये जो ए बी का डैश है ये फिर से बन जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, और जो यहाँ बी डैश बना है बी डैश का डैश ये बन जाएगा बी। अब ऊपर देखो ए डैश की जगह हम लोग माइनस ए लिख सकते हैं, तो इसे लिख देंगे बी डैश इंटू माइनस ए इंटू बी। माइनस को सबसे आगे ले लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस बी डैश ए बी। यहां से देखिए बी डैश ए बी का होल डैश बराबर मिल गया माइनस बी डैश इंटू ए बी, यानी उसी के ऋणात्मक दर के। यहां से हम लोग लिख सकते हैं अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है? एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह ए बराबर इतना, समीकरण आई डैश समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। तो यहां पर देखिए ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट कर रहा है कोई समीकरण, तो आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए डैश का मान रखते हैं, ए डैश का मतलब है इस आव्यूह ए का परिवर्त। परिवर्त का मतलब होता है ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल दीजिए। तो जब ए डैश निकालोगे तो ये बन जाएगा 0 2i z। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दीजिए तो ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस जेड। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल दीजिए तो ये बन जाएगा एक्स, यहां हो जाएगा माइनस वाई, और ये बन जाएगा जेड। ये किसका मान मिल गया? ए डैश का। अब इंटू ए का मान लिखिए, ए का मान है 0 2i z x y - z x - y z बराबर आई, और आई की जगह आप लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में गुणा करिए, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए, तो 0 × 0 हो गया 0, यक्ष गुणे यक्ष हो गया यक्ष स्क्वायर, फिर यक्ष गुणे यक्ष हो जाएगा यक्ष स्क्वायर। इसे आप लिखोगे यक्ष स्क्वायर प्लस यक्ष स्क्वायर। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए, तो 0 × 2i हो जाएगा 0, यक्ष का गुणा वाई में करोगे तो ये बन जाएगा यक्ष वाई। अब यक्ष का गुणा माइनस वाई में करोगे तो ये बन जाएगा माइनस यक्ष वाई। अब पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करिए, 0 × z हो गया 0, यक्ष गुणे माइनस जेड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस यक्ष जेड। अब यक्ष गुणे जेड करोगे तो ये हो जाएगा प्लस यक्ष जेड। इसके बाद दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए, तो 2y × 0 हो गया 0, y का गुणा यक्ष में करोगे तो हो जाएगा यक्ष वाई, फिर माइनस वाई का गुणा यक्ष में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस यक्ष वाई। इसके बाद दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए, 2y का गुणा 2i में करोगे तो ये हो जाएगा 4y² y का गुणा y में करोगे तो ये फिर से हो जाएगा प्लस y² माइनस y का गुणा माइनस y में करोगे तो माइनस माइनस प्लस y². अब दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करिए, तो 2y का गुणा जब z में करोगे तो ये हो जाएगा 2yz, y का गुणा माइनस z में करोगे तो बन जाएगा माइनस yz, फिर y का गुणा z में करोगे तो माइनस yz। इसके बाद तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए, z × 0 हो गया यहाँ पे z, फिर ये हो जाएगा माइनस xz,
प्लस एक्स जेड, फिर दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए तो ये बन जाएगा 2yz। अब z का गुणा y में होगा तो माइनस वाई जेड, जेड का गुणा माइनस वाई में होगा तो फिर से माइनस वाई जेड। अब तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करिए तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये बराबर बन जाएगा एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक के। अब जरा इसी को सॉल्व करिए तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर मिल के हो गया 2x स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा जीरो, यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा जीरो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा यह भी जीरो। जब इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 6y स्क्वायर, ठीक, इसको जोड़ोगे तो ये 2yz प्लस में 2yz माइनस में, यह भी कैंसिल हो जाएगा, यह भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब क्या बन जाएंगे जीरो बन जाएंगे, और यहाँ बन जाएगा 3z स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक, ठीक है। अब दो आप भी बराबर दिख रहे हैं तो आप लिखोगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर देखो आपको क्या मिल जाएगा, ये 2x स्क्वायर एक के बराबर मिल जाएगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू वन, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू, अब वर्गमूल ले लीजिए तो x इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट टू। वैसे तुलना करोगे तो 6y स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा, 6 को राइट साइड ले चलो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वन बाई सिक्स, वर्गमूल ले लो तो y इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट सिक्स। इसी तरीके से जब कंपेयर करोगे तो ये 3z स्क्वायर इक्वल टू वन बन जाएगा, तो z स्क्वायर इक्वल टू वन बाई थ्री, यहाँ से हमें मिल जाएगा z इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। तो इस तरीके से यक्स वाई जेड के ये मान हो जाएंगे, और यही आपको ज्ञात भी करना था, क्लियर ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में कहा जा रहा है कि यक्स के किस मान के लिए इतना गुड़े इतना बराबर जीरो, तो क्या करिए आप इन्हीं को सॉल्व करिए, बराबर जीरो पे रखिए, देखिए आपको यक्स का मान मिल जाएगा। सबसे पहले आप इनका गुणा करिए, यहाँ तीन आप व्यू है, ये पहला आप व्यू है, ये दूसरा आप व्यू है, ये तीसरा आप व्यू है, तो एक एक करके हम लोग गुणा करना शुरू करते हैं। ये जो पहला आप व्यू है इसकी कोट देखिए एक गुड़े तीन है, और जो ये दूसरा आप व्यू है इसकी कोट तीन गुड़े तीन है, तो गुणा तो संभव है क्योंकि पहले आप व्यू में स्तंभों की संख्या दूसरे आप व्यू में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, और जब इसका गुणा करोगे तो जो आपको आव्यूह मिलेगा एक गुड़े तीन का मिलेगा, तो एक गुड़े तीन का आव्यूह बनाइए, ये पंक्ति लीजिए और इस पहले स्तंभ में गुणा करिए, तो एक गुड़े एक हो जाएगा एक, दो गुड़े दो हो गया चार, तो लिख दीजिए प्लस चार, एक गुड़े एक हो गया एक तो प्लस एक। अब पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए, ये हो जाएगा दो एक के दो, फिर दो का गुणा जीरो में करोगे जीरो, एक का गुणा जीरो में करोगे तो जीरो, यहां बचेगा केवल दो। अब पंक्ति का गुणा इस तीसरे स्तंभ में करोगे तो एक गुणे जीरो जीरो हो जाएगा, दो गुणे एक हो जाएगा दो, प्लस एक गुणे दो हो जाएगा दो, इनटू में इसे रहने दीजिए जीरो दो यक्स बराबर जीरो। अब लेफ्ट हैंड साइड जो ये है इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 6 2 4 इंटू जीरो दो एक्स बराबर जीरो। अब ये देखिए जो पहला आप व्यू है इसकी कोट है एक गुड़े तीन, और जो ये दूसरा आप व्यू है इसकी कोट है तीन गुड़े एक, तो गुणनफल तो संभव है क्योंकि पहले आप व्यू में स्तंभों की संख्या दूसरे आप व्यू में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो जब ये गुणा करोगे तो इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा हो जाएगा, 6 गुणे 0 जीरो बन गया, 2 गुणे 2 तो ये 4 बन गया, 4 गुणे x
ये चार x बन गया, बराबर कितना हो गया जीरो। अब यह एक ही अवयव है, सिंगल अवयव है, इसलिए हम आव्यूह के चिन्ह को हटा सकते हैं। तो लिखेंगे 4 + 4x = 0। अब 4 को राइट साइड ले चलेंगे तो 4x = -4, यहां से हमें बराबर x बराबर मिल जाएगा -1। और यही आपको ज्ञात करना था कि x के किस मान के लिए इतना शून्य के बराबर हो जाएगा। तो वह मान कितना हो गया, x बराबर -1, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा जा रहा है कि यदि a बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7i = 0। तो इसमें आप क्या करिए, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल ला दीजिए। पर उसमें देखो पहले a स्क्वायर दिया गया है, तो हम लोग अलग से a स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, a स्क्वायर अलग से निकाल लेते हैं। a स्क्वायर मतलब हो जाएगा a गुड़े a। तो आप a का दो बार गुड़ा कर लीजिए, a का मान है 3 1 - 1 2 गुड़े 3 1 - 1 2। अब जब इन दोनों का गुड़ा करोगे तो पहली पंक्ति का गुड़ा पहले स्तंभ में करिए, तो बन जाएगा 3 * 3 = 9 - 1। अब पहली पंक्ति का गुड़ा दूसरे स्तंभ में करिए, तो 3 1 के 3 + 1 * 2 2। अब दूसरी पंक्ति का गुड़ा पहले स्तंभ में करिए, तो ये बन जाएगा -3 - 2। दूसरी पंक्ति का गुड़ा दूसरे स्तंभ में करिए, तो बन जाएगा -1 + 4। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8, ये हो जाएगा 3 2 5, यहाँ हो गया -5 और ये बन गया 3। तो ये तो a स्क्वायर का मान मिल गया। अब आपको जो सॉल्व करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, a² - 5a + 7i। इसी को सॉल्व करिए, a स्क्वायर का मान आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 8 5 - 5 3 -5a। अब a का मान इतना दिया गया है, इसमें जब 5 का गुणा करोगे तो ये 5 3 15 हो जाएगा, 5 1 के 5 - 5 और 5 2 10 + 7i है। अब आप जानते हो कि i तत्समक आव्यूह होता है, जैसे कि ये 1 0 0 1। अब जब इसमें आप 7 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 7 0 0 7। अब इन्हीं तीनों को आपस में जोड़ना है, तो जब जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 8 - 15 + 7, यहाँ बन जाएगा 5 - 5 + 0, यहाँ बन जाएगा -5 + 5 + 0, यहाँ बन जाएगा 3 - 10 + 7। इन सबको एक साथ जोड़ लो तो ये मिल जाएगा 0 0 0 0, और यह बराबर कितना हो गया 0। और यही राइट हैंड साइड है, 0 मतलब ये हो गया O, और यही राइट हैंड साइड है। इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, अर्थात a² - 5a + 7i = 0, ठीक है ना इतनी बात। चलिए अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। इसमें दिया गया है कि इतना गुड़े इतना बराबर 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप क्या करो, सीधा सीधा इनका गुणा करना शुरू कर दो। देखो जो ये पहला आव्यूह दिया गया है इसकी कोटि है 1 * 3, और जो ये दूसरा आव्यूह दिया गया है इसकी कोटि है 3 * 3। पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या के बराबर है, इसलिए गुणनफल संभव है। और जो गुणा करोगे वो आएगा 1 * 3 का। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं, इस पंक्ति को लेते हैं और पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा x
माइनस पांच गुणे जीरो करोगे जीरो हो जाएगा, माइनस एक गुणे दो करोगे तो ये बन जाएगा माइनस दो। अब इस पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए, यक्स गुणे जीरो करोगे जीरो हो जाएगा, माइनस पांच गुणे दो करोगे तो दस बन जाएगा माइनस दस, और माइनस एक गुणे जीरो करोगे तो जीरो बन जाएगा। अब इस पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करिए, यक्स का गुणा दो में करोगे तो ये बन जाएगा दो यक्स, माइनस पांच का गुणा एक में करोगे तो ये बन जाएगा माइनस पांच, अब माइनस एक का गुणा तीन में करोगे तो ये बन जाएगा माइनस तीन, और इस आव्यूह की कोटि हो गई एक गुणे तीन। और जो दूसरा आव्यूह लिखा है यक्स चार एक, इस आव्यूह की कोटि है तीन गुणे एक। अब इनको सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा x माइनस टू टेन, ये बन जाएगा टू यक्स माइनस एट, ऑर्डर होगा वन क्रॉस थ्री, ये बनेगा यक्स फोर वन, इसका ऑर्डर होगा थ्री क्रॉस वन इक्वल टू जीरो। अब फिर से इन दोनों का आपस में गुणा करिए, तो जब इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करोगे तो यक्स माइनस दो का गुणा यक्स में होगा तो ये बन जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस दो यक्स। अब इसके बाद ये माइनस दस का गुणा जब चार में होगा तो ये बन जाएगा माइनस चालीस, अब इतने का गुणा जब एक में होगा तो ये बन जाएगा दो यक्स माइनस आठ, बराबर हो जाएगा जीरो के। अब ये पूरा का पूरा एक आव्यूह है तो हम आव्यूह के चिन्ह को हटा सकते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस दो यक्स कट गया, यहां माइनस चालीस माइनस आठ हो गया माइनस अड़तालीस बराबर जीरो। अब अड़तालीस को राइट साइड ले चलेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा अड़तालीस, अड़तालीस को आप सोलह गुणे तीन लिख सकते हो, सोलह तिया अड़तालीस, जब आप वर्गमूल लोगे तो यक्स बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस, सोलह का वर्गमूल हो गया चार और तीन का वर्गमूल हो जाएगा रूट तीन, यहां से यक्स का मान मिल जाएगा यक्स बराबर प्लस माइनस फोर रूट थ्री, और यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पर। क्वेश्चन नंबर टेन में कहा जा रहा है कि एक निर्माता तीन प्रकार की वस्तुएं यक्स वाई जेड का उत्पादन करता है जिसका वह दो बाजारों में विक्रय करता है, वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। कहने का मतलब ये बाजार हैं एक दो और ये उत्पादन हैं। बाजार एक में यक्स के इतने उत्पाद हैं, वाई के इतने उत्पाद हैं और जेड के इतने उत्पाद हैं, जबकि बाजार दो में यक्स के इतने उत्पाद हैं, वाई के इतने और जेड के इतने हैं। अब इस पर दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कहा जा रहा है कि यदि यक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपए 1.5 रुपए तथा 1 रुपया हो तो प्रत्येक बाजार की कुल आय आव्यूह विधि की सहायता से ज्ञात कीजिए। यहाँ में प्रत्येक बाजार की कुल आय ज्ञात करनी है, तो ये जो है ये वस्तुओं की संख्या है, ये क्या है वस्तुओं की संख्या है, और यहाँ प्रत्येक वस्तु का ये मूल्य है, ये प्रत्येक वस्तु का क्या है मूल्य है। तो यदि हम संख्या में मूल्य का गुणा कर दें तो दाम मिल जाएगा, इसलिए हम लोग वस्तुओं की संख्या का एक अलग आव्यूह बनाएंगे और वस्तुओं के दाम का एक अलग आव्यूह बनाएंगे और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो हम पहला वाला लिख रहे हैं, पहला वाला ठीक हम लिख रहे हैं बाजार एक से प्राप्त आय, बाजार एक से प्राप्त आय बराबर क्या हो जाएगा, पहले वस्तुओं की संख्या कितनी है ये देखो, तो एक एक दो तीन चार बार जीरो, दो एक दो तीन बार जीरो, एक आठ तीन बार जीरो,
ये वस्तुओं की संख्या का आव्यूह हो गया। अब आपको दाम का आव्यूह बताना है, दाम का आव्यूह बनाना है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब दाम का आव्यूह बनाओगे कुछ इस तरह बनाइए ताकि उसका गुणा इसमें संभव हो। यह आव्यूह 1:3 कोटि का है, इसलिए जो दाम का आव्यूह बनाना चाहिए वो हमें कितने कोटि का बनाना चाहिए, 3:1 कोटि का। तो ये बन जाएगा 2.5, 1.5 और 1। अब जब इन दोनों का गुणा करोगे, तो इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करिए। 2.5 का गुणा कितने में करना है, ये हो जाएगा 25 और 3×0। ये इतने का गुणा 1.5 में करना है, यानी 1.5 में। 1.5×2 करोगे तो ये हो जाएगा 3 और कितनी, 2×3×0, 3×0। ये 1.8×3×0 है, × 1। जब ये करोगे तो ये बन जाएगा 1.8 और 3×0। अब इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़िए तो सब में 3×0 है, तो 3×0 लिख दीजिए। ये 18 है, 18 और 3 21 हो गया। 21 और 25 जोड़ोगे तो 20 40 बन जाएगा, यानी 46 3×0। यानी पहले मार्केट से, फर्स्ट मार्केट से हमें कितना रुपए मिल गया, 46,000 रुपए। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, बाजार सेकंड से प्राप्त आय, तो यह बराबर हो जाएगा। देखो बाजार सेकंड में कितनी वस्तुएं बिक रही हैं, तो ये 6 3×0, यहाँ पर 2 4×0, यहाँ पर 8 3×0 × अब जब दाम का बनाओगे, तो दाम का आप भी बन जाएगा ये 2.5, 1.5 और 1। अब इन्हीं दोनों का आप गुणा कर लीजिए। जब इन दोनों का गुणा करोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, 25×6 करोगे ये हो जाएगा 150 और 2×0। यहाँ पर ये 1.5 है, 1.5×2 करोगे तो बन जाएगा 3 और 4×0। यहाँ पर 8×1 करोगे तो बन जाएगा 8 और 3×0। अब इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ोगे तो पहले आप 3×0 लिख दीजिए। अब देखो ये 8 है, ये 30 है, 38 और 15 ये जोड़ना है, 38 10 48 5 53, यानी कि 53,000 रुपए दूसरे मार्केट से प्राप्त होगा। ये 53,000 रुपए आंसर हो जाएगा दूसरे मार्केट से प्राप्त राशि, और 46,000 रुपए पहले मार्केट से प्राप्त राशि हो जाएगा। अब हम लोग लागत की बात करेंगे, तो लागत देखिए, पहले यक्ष प्रकार की वस्तु की लागत 2 रुपए है, वाई प्रकार के वस्तु की लागत 1 रुपए है, और जेड प्रकार के वस्तु की लागत 50 पैसा है। तो चाहे आप दोनों का अलग अलग निकालो, कौन से, फर्स्ट मार्केट में जो ये फर्स्ट बाजार है इसके वस्तुओं का लागत निकालो, फिर सेकंड बाजार के वस्तुओं का लागत निकालो और दोनों को जोड़ दो, अथवा दोनों को एक साथ आप निकाल लो। तो हम लोग निकाल रहे हैं एक साथ, लागत बराबर हम वस्तुओं की संख्या में प्रति इकाई जितने रुपए की लागत है उससे गुणा कर दें तो कुल लागत मिल जाएगा। अब देखो वस्तुओं की संख्या क्या है, यक्ष प्रकार की वस्तुएं इतनी है, दोनों को एक साथ ले ले रहे हैं, 10,000 मार्केट ए में बिक रही है और 6,000 मार्केट बी में, यानी कि 2 में बिक रही है, तो कुल वस्तुओं की संख्या आपकी हो जाएगी 16,000। यानी यक्ष प्रकार की कुल वस्तुएं कितनी है, 16,000। उसी तरीके से वाई प्रकार की कुल वस्तुएं इतनी है, जिसमें से 2,000 मार्केट एक में बिक रही हैं और 20,000 मार्केट 2 में बिक रही हैं,
तो सब मिला के हो जाएंगी 22,000 वस्तुएं, ठीक है। और ये तीसरे प्रकार की जो जेड प्रकार की वस्तु है, 18,000 मार्केट एक में बिक रही है और 8,000 मार्केट दो में बिक रही है। तो इस तरीके से कुल संख्या हो गई 26,000। अब यक्ष प्रकार के वस्तु की लागत है 2 रुपए, इसकी लागत है 1 रुपए और इसकी लागत है 50 पैसे। 50 पैसे मतलब 0.5 रुपए। अब इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो गुणा कर लीजिए, 2 × 16 करोगे तो ये 32, 3 × 0 प्लस 22 × 1 करोगे तो 22, 3 × 0 26 में जब आप 0.5 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 13 और 3 × 0। इन सबको एक साथ जोड़ लीजिए, तो सबसे पहले आप 3 × 0 लिख दीजिए, 3 × 2 = 5, 2 = 7 हो गया, 1 × 2 = 3, 3 = 6 यानी कि 67,000 रुपये ये कुल लागत आई है। 67,000 रुपये कुल लागत आई है। यहां से हम लोग लाभ यदि निकालना चाहें तो लिख सकते हैं लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लागत। विक्रय मूल्य कितना है, 46,000 तो पहले मार्केट में बिका था और 53,000 रुपया दूसरे मार्केट में बिका था, तो ये कुल विक्रय मूल्य हो गया माइनस लागत, 67,000 रुपये कुल लागत है। अब इसे सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा 3 × 0, 6 × 3 = 9, 5 × 4 = 9 माइनस 6 × 7 = 0, 0 = 0 हो जाएगा। अब जब इसको घटाओगे तो सबसे पहले 3 0 लिख दो, 9 − 7 हो गया 2, 9 − 6 हो गया 3, यानी इस तरीके से 32,000 रुपये का लाभ हो गया और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में देखिए कहा जा रहा है कि यक्ष ज्ञात कीजिए, यदि एक्स गुणे इतना बराबर ये, तो इस प्रश्न को आप दो विधि से सॉल्व कर सकते हो। पहली विधि देखो, जैसे ये यक्ष लिखा है इसे आप ए मान लो, तो ये बन गया यक्ष ए बराबर, यहां पर देखो ये लिखा हुआ है बी, है ना। अब हमें जब यक्ष को यहां से गायब करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो जब आप गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा यक्ष ए इंटू ए इनवर्स बराबर बी इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स बन जाएगा आई बराबर बी इंटू ए इनवर्स। तो यहां से हमें मिल जाएगा यक्ष बराबर बी ए इनवर्स। और अब आप ए इनवर्स का मान निकाल के इसमें बी में गुणा करके आप यक्ष का मान निकाल सकते हो। पर देखो दिक्कत क्या आएगी, यहां पर आपको यक्ष बराबर बी इंटू ए इनवर्स चाहिए। अब ए का इनवर्स निकाल के बी में गुणा करना पड़ेगा, पर यहां पर ए के बारे में देखो, इसी को आप ए माने हो ना, इसका इनवर्स ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। ए का इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस आव्यूह ए की कोटि 2 × 3 है और आप जानते हो कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम सिर्फ और सिर्फ तब ज्ञात किया जा सकता है जब वह एक वर्ग आव्यूह हो। तो यहां जिस आव्यूह को आप ए मान रहे हो ये तो एक आयताकार आव्यूह है, इसकी कोटि है 2 × 3, तो ऐसी स्थिति में आप इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। इस विधि का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आप तब कर सकते थे जब यहां पर दिया गया आव्यूह ए ये वर्ग आव्यूह होता, तो इस विधि का आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो अब दूसरे विधि पर चलते हैं। दूसरी विधि में देखिए क्या करोगे, आप यक्ष को कुछ मान लीजिए, ठीक है, यक्ष को कुछ मान लीजिए, यहां पर जो ये लिखा है इसकी कोटि है 2 × 3, तो जो आप आव्यूह यहां यक्ष मानोगे उसमें देखो स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए,
दो होनी चाहिए, और फाइनली गुणा करके आपको 2 × 3 कोटि का आप व्यू मिलना चाहिए। तो इसका मतलब आप जो यक्ष को मानोगे, यक्ष को जो मानोगे वो 2 × 2 कोटि का मानोगे, 2 × 2। तो इसे आप मान लीजिए ए बी सी डी 2 × 2 कोटि का हो गया। गुणे में लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस आव्यूह का कोटि हो गया 2 × 3। तो देखो क्या इनका गुणा संभव है। यहाँ पर इस वाले में स्तंभों की संख्या 2, इस वाले में पंक्तियों की संख्या 2, तो हाँ गुणा संभव है, और जो गुणा आएगा वो आएगा 2 × 3 कोटि का। और देखो आपके सामने 2 × 3 कोटि का आव्यूह दिया भी गया है। तो ये हो जाएगा −7, −8, −9, 2, 4, 6। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का गुणा करिए, फिर तुलना करके ए बी सी डी का मान निकाल लीजिए, और यही यक्ष का मान हो जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, तो ये बन जाएगा ए प्लस 4b। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 5b। अब पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करेंगे, तो ये बन जाएगा 3a प्लस 6b। अब दूसरा पंक्ति लीजिए और तीनों में गुणा करिए, तो ये बन जाएगा c प्लस 4d, ये हो जाएगा 2c प्लस 5d, और ये बन जाएगा 3c प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर −7, −8, −9, 2, 4, 6। अब दो आप जो आपको बराबर दिख रहे हैं, तो आप कहोगे तुलना करने पर यह वाला अवयव यानी a प्लस 4b −7 के बराबर होगा, और 2a प्लस 5b −8 के इक्वल होगा। यहाँ से आप लोग लिखोगे a प्लस 4b इक्वल टू −7 इक्वेशन फर्स्ट, और आप लिखोगे 2a प्लस 5b इक्वल टू −8 इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप ए बी का मान निकाल लीजिए। उसके लिए आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसे आप लिखोगे समीकरण 1 × 2 तथा 2 से, जब 1 × 2 करोगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 4 × 8b बराबर 7 × 14 −14 हो जाएगा। और यहाँ इसका मान है 2a प्लस 5b बराबर −8। अब इन दोनों को घटाना है, घटाइए, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, 2a से 2a कट गया, तो यहाँ बचा कितना 8b माइनस 5b, बचेगा कितना 3b। ये हो गया 3b बराबर, ये −14 है, −14 में 8 जब जुड़ जाएगा तो ये बच जाएगा −6। यहाँ से b बराबर हो गया −3। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख के a का मान निकाल लो। मान लो जब इस समीकरण 1 में b का मान रखोगे तो a −4 × 12 बराबर −7। अब जब इसको इधर ले जाओगे तो a बराबर मिल जाएगा 5। इस तरीके से a और b का मान मिल गया। अब जरा आप c और d का मान कैलकुलेट कर लीजिए, उसके लिए इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, तो ये 2 और 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे c प्लस 4d इक्वल टू 2 इक्वेशन थर्ड, और लिखेंगे 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 इक्वेशन 4। अब इन्हीं दोनों को आप सॉल्व करिए, तो आप लिखिए समीकरण 3 × 2 तथा 4 से। जब 3 में 2 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 2c प्लस 8d इक्वल टू 4। इसमें जब आप इसको ऐसे ही रहने दो, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 2c 2c कट जाएगा,
एट डी माइनस फाइव डी हो जाएगा 3d इक्वल टू जीरो। यहां से d इक्वल टू मिल गया जीरो। अब d का मान इक्वेशन आप थर्ड में रख दो, ये बन जाएगा c प्लस फोर इंटू जीरो इक्वल टू टू, यानी c इक्वल टू क्या हो गया टू। अब यहाँ ए बी सी डी की वैल्यू सारी मिल गई, तो आप यक्ष लिख लीजिए। यक्ष किसे माने थे आप? यक्ष माने थे आप इसको ए बी सी डी को। तो जब आप यहाँ से यक्ष बराबर लिखोगे तो यक्ष बराबर हो जाएगा ए बी सी डी, और सारा मान निकल चुका है। तो ए का मान है आपका पांच, बी का मान है माइनस तीन, सी का मान है दो, और डी का मान है जीरो, और यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यदि ए तथा बी समान कोण के वर्ग आव्यूह हो तथा ए बी बराबर बी ए, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी टू दी पावर एन इक्वल टू बी टू दी पावर एन इंटू ए होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए ए बी टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर एन होगा। जरा इस क्वेश्चन में देखिए, साफ साफ कह दिया कि गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले आपको गणितीय आगमन पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ आपको दिया क्या गया है, दिया है आपको ए बी बराबर बी ए, है ना। और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी टू दी पावर एन इक्वल टू बी टू दी पावर एन इंटू ए, और इस पे आपको क्या लगाना, गणितीय आगमन विधि। तो सबसे पहले देखो हम लोग गणितीय आगमन में क्या करते हैं, इस वैल्यू को जो आपको सिद्ध करना है, ये इसे आप समीकरण दो मान लीजिए, इसे समीकरण एक, जो आपको सिद्ध करना है इसी पर एक बार n बराबर एक रख के हम लोग सॉल्व करते हैं, और एक बार n बराबर कुछ अपने से मान लेते हैं, मान लो m रख के सॉल्व कर लिए। इस पर यदि सत्य आता है और इस पर हम मान लेते हैं, फिर उसके बाद यदि n बराबर m वन पर सत्य आ गया, यदि n बराबर m प्लस वन पर सत्य आ गया, तो इसका मतलब कि यह सभी n के लिए सत्य होता है। n का कुछ भी मान हो सबके लिए सत्य होता है। तो चलिए n बराबर एक पर इसको देखते हैं। यदि मैं n बराबर एक रख दूं तो ये बन जाएगा a b की घात एक बराबर b की घात एक इंटू ए, यानी ए बी बराबर बी ए। अब बताओ ये सत्य है कि नहीं है? तो सत्य है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। इसे आप लिख दो ए बी बराबर बी ए, जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। अब इस पर आप मान लीजिए, ठीक है, माना यन बराबर यम पर भी समीकरण सत्य है, समीकरण सत्य है। तो अगर यम बराबर सॉरी तो अगर यन बराबर यम पर भी सत्य है, इसे आप मान रहे हो, तो यहां से आपको मिल जाएगा ए बी टू दी पावर यम बराबर बी टू दी पावर यम इंटू ए। इसे आप समीकरण तीन मान लीजिए। अब आपको इस पर चेक करना है, इस पर भी सत्य होना चाहिए। तो आप लिखोगे यन बराबर यम प्लस वन के लिए। जब इसके लिए आप चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पिकअप करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटू बी टू दी पावर एन, और एन की जगह हम लोग कितना रख रहे हैं, यम प्लस वन। अब जो ये b टू दी पावर m प्लस वन है, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a b टू दी पावर m इंटू b कर दें, है ना। अब इसके बाद देखो इसी को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a b टू दी पावर m प्लस वन, बराबर मेरा बन गया a b टू दी पावर m
इंटू बी। अब जरा देखिए समीकरण तीन को, समीकरण तीन को आप देखो, हम लोग ए बी टू दी पावर यम की जगह बी टू दी पावर यम इंटू ए लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो ब्रेकेट में लिखा है ए बी टू दी पावर यम, उसकी जगह हम ये इतना लिख दे रहे हैं, तो ये मेरा बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा बी टू दी पावर एम इंटू ए इंटू बी। अब इस ए को बी के साथ ले लेते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा बी टू दी पावर यम इंटू ए बी। अब जरा आप समीकरण एक को देखिए, एक में देखो हम ए बी और बी ए, यानी ए बी की जगह कितना लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। तो जो ये ए बी है इसकी जगह हम लोग कितना लिख देंगे, बी ए। इस ए बी की जगह लिख देंगे बी ए। फिर इस वाले बी को इसके साथ ले लेंगे, तो बी टू दी पावर यम इंटू बी एक साथ इंटू ए। अब ये दोनों मिलके बन जाएगा बी टू दी पावर एम प्लस वन इंटू ए। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी टू दी पावर एम प्लस वन। तो जब ये सिद्ध हो गया तो यहां से देखो इसका कुछ भी मान हो, एक हो यम हो यन हो, सबके लिए यह सत्य होगा। तो आप लिखोगे अतः यन बिलोंग्स टू कैपिटल यन के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए ए इंटू बी टू दी पावर यन इक्वल टू बी टू दी पावर एन इंटू ए होगा, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर इतनी बात, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 देखिए एक बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें कह रहे हैं कि यदि ए बराबर इतना इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई, तो आपको ये चार समीकरणों में से देखना है कि कौन सा समीकरण सही होगा। तो जो समीकरण दिया गया है ये इसी को हम फॉलो करते हैं। हमें क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बराबर आई। अब ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणे ए, तो इसको हम दो बार लिख लेंगे, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू फिर से ए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, आई के। आई का मान होता है 1001। अब लेफ्ट हैंड साइड में जब गुणा करोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करोगे तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा। अब इसका गुणा तीसरे में करोगे तो ये हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1001। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा करोगे जीरो हो जाएगा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा जीरो हो गया, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, हमने क्रम बदल दिया, तो ये बराबर हो जाएगा 1001। अब दो आप व्यू बराबर हैं तो आप लिखोगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक के बराबर होगा, और यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक के बराबर होगा। तो इस तरीके से मुझे मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर एक। अब एक को अगर आप चाहो तो लेफ्ट साइड लाओ, चाहो तो इन सबको राइट साइड ले चलो, लेकिन सारे प्रश्नों में देखो एक पॉजिटिव में लिखा है, सारे ऑप्शनों में ए बी सी डी सब में ए पॉजिटिव लिखा है, तो ए को राइट साइड रहने दो, इन सबको लेफ्ट साइड ले चलो। ये हो जाएगा एक माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर जीरो। अब खोजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड में ये दिया गया है ना, वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर जीरो।
यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 भी एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित आव्यूह दोनों हो तो आपको बताना कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा। तो कोई आव्यूह ए है, हम मान लेते हैं कि सममित भी है विषम सममित भी है, तो यदि ए सममित है तो ए डैश बराबर ए हो जाएगा समीकरण एक, और यदि ए विषम सममित है तो ए डैश बराबर माइनस ए हो जाएगा समीकरण दो। अब दोनों को देखो, समीकरण एक व दो से दोनों को देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए, तो ए बराबर माइनस ए हो जाएगा। इस माइनस ए को लेफ्ट साइड ले आओ तो ये जुड़ के 2a बराबर 0 हो जाएगा, दो को राइट साइड ले जाओगे तो a बराबर 0 हो गया। यहां से हमें क्या मिल गया कि जो आव्यूह a है ये कैसा आव्यूह होगा, एक शून्य आव्यूह होगा। यदि कोई आव्यूह a सममित तथा विषम सममित दोनों हो तो वह आव्यूह शून्य आव्यूह होगा, है ना। विकल्प खोजिए, पहला लिखा है कि a एक विकर्ण आव्यूह है, गलत। ए एक शून्य आव्यूह है, यह सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए बराबर है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है, किसका, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए, है ना। अब आप लोग जानते होंगे कि ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले का यूज हम यहाँ पर करेंगे, तो जब यहाँ फार्मूले का यूज करोगे तो ये आपका बराबर मिल जाएगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर माइनस 7 ए, माइनस ये वाला 7 ए। अब आई क्यूब को हम लोग आई लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्यूब जो है, ए क्यूब को आप इस तरह से लिख दो, ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर बराबर ए दिया गया है तो अगले चरण में हम ए स्क्वायर की जगह ए रख देंगे, प्लस आई स्क्वायर आई हो जाएगा, ये आई स्क्वायर का मान आई होगा, जब उसका ए में गुणा करेंगे तो केवल ए बचेगा, तो इस प्रकार ये हो गया 3a। अब यहाँ पर आई का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 7a। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आप ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम आई, अब इस ए स्क्वायर की जगह ए लिखेंगे, ए इंटू ए प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर की जगह हम a लिख दिए माइनस 7a, फिर ये बन गया i। देखो ये a इंटू ए स्क्वायर बनेगा और a स्क्वायर को हम a लिख देते हैं, तो a प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a, ये पूरा यहां से लेके यहां तक हो गया 7a, प्लस में 7a माइनस में कट गया, तो ये बराबर कितना बन जाएगा i, यानी कि आपका हो गया i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a बराबर i। ऑप्शन खोजिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात। तो इस तरह से आव्यूह के सारे कॉन्सेप्ट और सारे प्रश्न हम लोग एक एक करके सॉल्व कर चुके, 3.1 से सारे प्रश्न एक एक करके विविध प्रश्नावली तक सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं।
एक भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया है। तो आप इस चैप्टर को देखिए और पूरे चैप्टर में प्रश्नावली 3.1 से लेकर विविध प्रश्नावली तक यदि किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाए या किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह का कोई दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यह आप भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगले में हम लोग सारणिक के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से हम आपव्यू के एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़े हैं, उसी तरीके से हम धीरे धीरे करके सारणिक के एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि आप क्लास 12th में जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर का सलूशन और उसका कॉन्सेप्ट पाना चाहते हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिस आपको मिल जाए।